मैं इलेक्शन लड़ने जो जा रहा हूँ जो है राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी इसकी डेवलपमेंट के लिए। रामबन के राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश कुमार शर्मा को अपना कीमती वोट दें और जिताएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुशहाली लाएं। वोट एंड सपोर्ट रमेश कुमार शर्मा। इलाके में एक दुर्घटना में एक की मौत, अन्य घायल। सूत्रों के अनुसार वाहन डीडीसी के लिए अभियान पर थी। इंडियन आर्मी क्रॉस वार डिवीजन द्वारा आज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर सिद्धार में कोविड-19 के चलते एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 के बचाव लक्षण और इलाज के प्रति जागरूकता दी गई। रामबन जिला के डीडी चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदाता मतदान में 2.5% बढ़ोतरी दर्ज की गई। डीडीसी के लिए मतदान का कुल मतदाताओं का 67.39% मतदान आज सुगम और शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहिंदर भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी का देशभक्ति करने का झूठा नकाब पूरी तरह से उतर चुका है। बीते दिनों में बॉर्डर और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी को साफ दर्शाता है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर प्रीतम सिंह ने शांतिनगर वार्ड नंबर 55 में लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आज लगभग 13 लाख की लागत से लेन और ड्रेन का कार्य शुरू करवाया। जम्मू शहर के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने जम्मू के ब्यूटीफिकेशन को बढ़ाने के लिए वार्ड नंबर 61 भगवती नगर में वार्ड के कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर ब्यूटीफिकेशन के कार्य का उद्घाटन किया। पीपल्स हेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर एनजीओ संगनी सहेली द्वारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करने के साथ साथ महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया गया। किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को भारत बंद की तैयारी कर रहे स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने सोमवार को मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को उनसे कुछ खास ही लगाव है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से एपीएमसी एक्ट को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस को बड़ा झटका, अभिनेत्री राजनेता विजय शांति बीजेपी में हुई शामिल। मैं इलेक्शन लड़ने जो जा रहा हूँ जो है राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी इसकी डेवलपमेंट के लिए। रामबन के राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश कुमार शर्मा को अपना कीमती वोट दें और जिताएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुशहाली लाएं। वोट एंड सपोर्ट रमेश कुमार शर्मा।